कुछ एग्ज़ाम है नेक्स्ट उसमें ग्रुप डी के, और कुछ उसकी वजह से वो ये ना कर सके। तो ये मैं ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाली उन्होंने कि भाई आप ये आपको प्रेस ब्रीफिंग करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेके एक संदेह पिछले दिनों अखबारों में आपने पढ़ा होगा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ये संदेह उठाया गया कि भाई ईवीएम पे कुछ संदिग्ध है, कोई गड़बड़ हो सकती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आपको इसकी पृष्ठभूमि पता है, ये 1977 से इसके बारे में एक विचार चला था कि क्यों ना एक ऐसी मशीन हो इलेक्ट्रॉनिक उसमें कि हम डिजिटली इलेक्शन करवा सकें, क्योंकि आपको पता है बैलेट पेपर का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा और पेचीदा है, और उसमें कुछ बैलेट पेपर से बूथ कैप्चरिंग और ऐसे कुछ संदेह बने रहते थे, और साथ में ये भी लगता था कि बैलेट पेपर में उनसे लोगी वो मैनुअल प्रोसेस था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, तकनीकी विकास हुआ, तो हमने ईवीएम की तरफ हम मुड़े। 1988 में ये एक विधिवत रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो जिसके अंडर हम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, उसमें हमने संशोधन किया जिसमें बैलेट पेपर के साथ साथ ईवीएम भी उसमें जोड़ दिया कि भाई ईवीएम भी एक वे ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन है। अब उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1998 में जैसे हमारे शायद दो लोकसभा में इसका यूज हुआ था, 2004 से सारे लोकसभा चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। 2004 वाला, 9 वाला और 14 वाला तीन लोकसभा चुनाव हमारे ईवीएम से हुए हैं, और साथ में राज्यों के विधानसभा, विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव भी ईवीएम से हुए हैं। जो ये ईवीएम है इसके साथ साथ अभी जैसे, क्योंकि ये जो मतदान है आपको पता है लोकतंत्र में मतदान की एक वो है कि उसका 5 साल की जो परीक्षा है उसका परिणाम मतदान द्वारा होता है। अगर उस पर प्रक्रिया पे ही संदेह हो तो काफ़ी एक बात बहुत सीरियस हो जाती है। कमीशन ऑफ इंडिया ने जगह जगह पे ये क्लियर भी किया और जगह जगह पे बताया भी है कि कैसे ये ईवीएम मशीन टेम्पर प्रूफ है, इनको इनके साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती। तो इसके एक इंजीनियरिंग साइड से तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि एक मैं भी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट फिर भी एक लेमन लैंग्वेज में मैं ये बता सकता हूँ कि काफ़ी संदेह ये है कि भाई इसको प्राइवेट कंपनीज बनाते हैं और वहाँ से इसका सॉफ्टवेयर इसका अफेक्ट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने BEL जो अपना रक्षा मंत्रालय का वो है उसके द्वारा बनाई जाती है, और ECIL भी हमारा PSU है भारत सरकार द्वारा संचालित, और दोनों हाई रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उसके इंजीनियर्स द्वारा ये बनाई जाती हैं। और उसके बाद इसका जो सोर्स कोड है उसको जैसे, मतलब बेसिकली लेमन लैंग्वेज में हम ये कहें कि ये जो बना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, कोई भी हैकिंग है या जो टेम्परिंग है वो सॉफ्टवेयर के साथ आप सब जानते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना सभी समझते हैं, वो तभी हो सकती है जब उसका किसी नेट से कनेक्टेड हो, किसी भी नेटवर्क से। जैसे इंटरनेट भी एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, एक नेटवर्क है अलग अलग उसका, तो कोई जब कनेक्टिविटी होगी तभी उसमें टेम्परिंग के चांसेस हैं। अब कनेक्टिविटी के कई अलग अलग मीडियम, किसी नेट से जुड़ जाए वाया इंटरनेट, या ब्लूटूथ भी एक कनेक्टिविटी है जो विदाउट वायर एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, दो डिजिटल डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं वाया ब्लूटूथ। आजकल एक वो भी होता है कि नेबरहुड में भी दो आप डिवाइस रखेंगे तो वो भी जुड़ जाते हैं। ये जो ईवीएम है ये इसमें ऐसा कनेक्शन का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये ब्लूटूथ भी नहीं है ना, ये नेबरहुड डिवाइस से कनेक्ट होता, किसी भी तरीके से किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो सकती। स्टैंड अलोन मशीन है, अपने आप में कंप्लीट है, और किसी नेटवर्क की किसी भी तरीके से इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये एक इसकी क्लियरेंस हम आपको दे रहे हैं कि ये जो ईवीएम है इसका किसी भी तरीके से इसका कनेक्शन, चूंकि ये ब्लूटूथ से या किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ सकती,
तो इसलिए इसका हैकिंग और वो चांसेस नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि जैसे विकसित देश हैं, जर्मनी है और कई ऐसे देश हैं जो पहले ईवीएम पे थे और वो उन्होंने ईवीएम हटा ली, तो जब इतने विकसित देशों ने ईवीएम हटाई है कि देयर मस्ट बी समथिंग, काफ़ी लोगों को यही संदेह होता है कि कुछ इसमें हो सकता है कि इसकी वजह ये हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें भी क्लियरेंस बार बार दी गई है कि उनकी जो मशीनें हैं और हमारे भारत की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मशीन है उसमें एक बुनियादी फ़र्क है, क्योंकि उनकी जो मशीनें हैं वो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। वहाँ पे जो वोटिंग का पैटर्न है वो इस टाइप का है कि आपके ऑफिसेज में टाइम है, आप किसी भी समय वोट कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। हमारे यहाँ एक वोटिंग डे निर्धारित होता है, उस दिन में सभी लोग वोट डालते हैं और बूथ में आके वोट डालते हैं। वो जो देश है उनके ऐसी वोटिंग है पैटर्न है कि आप हो सकता है ऑफिस में बैठे बैठे वोट डालते हैं, तो ऐसे पैटर्न के लिए इंटरनेट या बस की ज़रूरत होती है। तो उनकी जो मशीनें हैं वो नेट से, इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, तो जो चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हो सकती है उसका हैकिंग का चांस भी होता है। मतलब आप समझ सकते हो कोई चीज़ इंटरनेट से कोई इतना रिमोट पॉसिबिलिटी हो, हैकिंग के चांसेस होते हैं। बट हमारी जो मशीन है ऐसी, उसको ऐसे किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती। एक बूथ पे एक मशीन जैसे जाती है, उस बूथ का जो वोटिंग का रिकॉर्ड है वो उसके अंदर बंद हो जाता है, और उसके बाद क्लोज का बटन दबने के बाद इस मशीन के रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। चांस इसका जैसे क्लोज का बटन दब गया और कोई उसके बाद इस मशीन को उठा भी ले जाए, अबे मशीन उठा ली वोट के बाद और उसको कहीं पानी में भी डाल दिया, वो रिकॉर्ड ब्लैक बॉक्स टाइप है जैसे होता ना अपने उसका, उसके बाद भी वो रिकॉर्ड चेंज नहीं, उसके छेड़छाड़ नहीं हो सकता। इक्वेशन में है कि आग भी लग जाए तो मशीन का रिकॉर्ड नहीं अलग हो सकता, ऐसी बना रखे। और अब तो न्यू जनरेशन, थर्ड जनरेशन की मशीनें आई इस बार, उसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, अभी चल भी रही कई जगह, हमारे वाली हो चुकी है, कैथल डिस्ट्रिक्ट की हो चुकी है। मैं इसमें आपको एक चीज़ जिसके लिए मेरा वो था, पिछले विधानसभा चुनाव में दो या तीन जगह पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक वीवीपैट आई थी, मैं आपको वीवीपैट के बारे में आपसे बता